या अब टाइम गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है उसको सुनने का। तो यहाँ का आपको कैसे मालूम चला? यहाँ का वो यूट्यूब में वीडियो देख के मालूम चला, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था गुवाहाटी में इतना अच्छा मोटिवेशन होता है। अच्छा, वीडियो देखा है, दिल्ली में देखा है, कोरलबाग में देखा है। अच्छा, लेकिन गुवाहाटी में इतना अच्छा काम होता है। अच्छा, आज फर्स्ट टाइम देखा मैंने। और आप लोग का बहुत सारे कॉमेंट्स आए टाटा सफारी से रिलेटेड, उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, माइलेज क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, वापस से आ चुका हूँ ऑटो शूट में और एक नया गाड़ी का मेकओवर दिखाने के लिए। जो आज गाड़ी है वो सबका पसंदीदा गाड़ी है, माफिया गाड़ी भी बोला जाता है इसको। जी हाँ, यह है ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो। तो अंदर में बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर मॉडिफिकेशन हुआ हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं स्टार्ट स्टेयरिंग से। आप स्टेयरिंग का देख सकते हो, सिंगल टेन कलर में है, लेमिनेटेड स्टिचिंग है ये। आप स्टिचिंग का फिनिशिंग भी देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त है। सीट कवर का बात करूँ तो सिंगल कलर में है और यहाँ जो डिज़ाइनिंग दिया है ये कुशनिंग है, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। थोड़ा सा पफी जिसको बोल सकते हैं, फूला फूला सा है रिंकल्स डिज़ाइन के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें भी आप स्टिचिंग का आप देख सकते हो, टेढ़ा बेका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, एकदम एक्यूरेट सिंगल लाइन में आपको दिखेगा ये सब। और ये आर्मरेस्ट सेम कलर में, गियर नॉब भी आप देख सकते हो सेम कलर में, इवन नीचे का ये भी है, ये भी सेम कलर में है। डोर पैड भी, इसमें ज़्यादा छोटा सा पोर्शन है तो इसको भी सेम टेन कलर में किया गया है। और रूफ टॉप भी सिंगल टेन, ये थोड़ा सा टच करने से वेलवेट फील आ रहा है, वेलवेट वाला है और हल्का सा कतली वाला डिज़ाइन इसमें दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सन शेड भी सेम कलर में है और पिलर भी आपका सेम कलर में है। तो सेम सिंगल टेन कलर इसका जो इंटीरियर है, सिंगल कलर ही रखा गया है, खाली डैशबोर्ड्स को छोड़ के बाकी सब चीज़ टेन कलर में है। और इसके अलावा इसमें स्पीकर, कंपोनेंट स्पीकर लगा हुआ है रिफरेंस का। और बैक साइड में को एक्सल स्पीकर लगा हुआ है और बेस्ट्यूब भी इसमें लगा हुआ है JBL का। तो JBL का बेस्ट्यूब लगा हुआ है, मोनो एम्प लगा हुआ है वो जो कि अंदर में है तो वो मैं दिखा नहीं सकता। तो ये को एक्सल का स्पीकर यहाँ लगा हुआ है, सॉरी गाइस, मैं आपको बता दिया था पीछे वाला डोर में, बीच वाला डोर में, लेकिन एक्चुअली ये बैक डोर में है डिक्की वाला में। और ये भी टेन कलर में है, ये वुडन का है, इसमें जो रेजिन लगा हुआ है टेन कलर का। और एक चीज़ बोलना भूल गया, 70 मैट, ये भी ऑटो सूट का खुद का बनाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। फिट एंड फिनिश आप देख सकते हो 70 मैट का, एकदम एक्यूरेट, कहीं से भी छोटा बड़ा आपको गैपिंग नहीं मिलेगा। और ये एम्प है अंदर में लगा हुआ है, तो मैं पीछे ढूंढ रहा था, एक्चुअली एम्प इधर लगा हुआ है। सो गाइस, आपको गाड़ी का इंटीरियर मॉडिफिकेशन अब दिखा दिया है, आप ओनर से बात करते हैं, थोड़ा इससे रिव्यू लेते हैं, इनको ऑटोशूट का काम कैसा लगा है। तो भैया पहले आप, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम वाहिदुर जमान है। ओके, आप कहाँ से आए हो? मैं आजरा से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ का आपको कैसे मालूम चला? यहाँ का वो यूट्यूब में वीडियो देख के मालूम चला। ओके ओके, तो कैसा लगा काम? काम तो बढ़िया है। बढ़िया लगा, जबरदस्त। फिनिशिंग बहुत ही प्रीमियम किया है। आप जैसा वीडियो में देखते हैं, वीडियो में जैसा देखा है वैसा ही किया है। अच्छा, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था गुवाहाटी में इतना अच्छा मोटिवेशन होता है। अच्छा, वीडियो देखा है, दिल्ली में देखा है, कोरलबाग में देखा है। अच्छा, लेकिन गुवाहाटी में इतना अच्छा काम होता है, आज फर्स्ट टाइम देखा मैंने। चलिए, और ये जो कलर जो चॉइस है ये आपके का था या मेरा था? ये वाला, ठीक है। और बाकी और जो भाई काम कराना चाहता उनको, और भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ जो मॉडिफिकेशन करना, जो इसका शौक है वो गुवाहाटी में इधर आइए, ऑटो शूट में आइए, बहुत ही अच्छा काम करता है। हमारे जो भैया है बहुत ही अच्छा काम करता है और इनका काम पूरा प्रीमियम है और कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, पूरा कपड़ा टू कपड़ा काम करता है। वारंटी आपका कोई छेड़छाड़ नहीं करता है वारंटी में। गाइस, इसमें रेफरेंस का स्पीकर जैसे मैंने बोला लगा हुआ है, आगे में कॉम्पोनेंट लगा है, पीछे में कोएक्सल और JBL का वूफर लगा हुआ है। साउंड बहुत ही जबरदस्त है, मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा। थोड़ा सा
भैया को थोड़ा हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन थोड़ा आप एसएमईज में भी बोल दीजिए भाई, जो अपना असम का ऑडियंस, गुवाहाटी का ऑडियंस है वो तो एसएमईज ज़्यादा प्रिफर करेंगे, तो आप उनको ये भी क्या बोलना चाहेंगे? मैं हेरी गोटे राइजक कब विचार तमें आम जी मोडिफिकेशन जीखि काम है मैं गुवाहाटी अटो सीट बहुत भल कम सीटर जीवन काम कर मोर गाड़ी जीखि काम कर बहुत भल कम पूरा प्रीमियम काम कर जी भाइये थके जी ओनार दुकान मानुज बहुत भल और मैं भबा ना लो बजेट इन भल कम तो अपना जो जो आचार मोडिफिकेशन जार शक आए तो अपना अटो सीट आक बहुत भल मोडिफिकेशन कर लो बजेट बहुत भल कम कर। सो गाइज ऑटो शूट का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है इंक्वायरी है आप डायरेक्ट बात कर लेना। सो गाइज आप लोग ने कस्टमर का फीडबैक सुन लिया, अब है टाइम गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है उसको सुनने का, जिसमें बेस्ट ट्यूब और रेफरेंस का जो स्पीकर लगाना बहुत ही ज़बरदस्त साउंड निकालने वाला है, तो फटाफट टेस्टिंग करते हैं और आपको सुनाते हैं। आप सुनने से पहले हेडफोन पहन लीजिएगा, उससे ज़्यादा आपको बेहतर म्यूजिक और बेस का आपको मालूम चलेगा, आप नॉर्मल स्पीकर में इतना आपको मालूम नहीं चलने वाला है, तो आप हेडफोन जरूर से पहन के उसको सुनिएगा। तो ऑटो शूट में व्लॉग को एंड नहीं कर पाया, तो अभी मैं घर आ चुका हूँ। और गाइस एक चीज़ बता देता हूँ, वहाँ मैंने एक नया कलर देखा, मेरे को तो थोड़ा सा यूनिक लगा कलर, ग्रीन एंड ब्लैक कलर में, और एक था चॉकलेट एंड ब्लैक कलर में, बहुत यूनिक कलर है। अगर उस कलर में भी आप लोग कुछ अपना गाड़ी का इंटीरियर को मॉडिफाई करना चाहते तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। और आप लोग का बहुत सारे कमेंट्स आए टाटा सफारी से रिलेटेड, जो मैंने डार्क एडिशन लिया था डिलीवरी, उसके बाद मैंने कोई भी कंटेंट उससे रिलेटेड नहीं बनाया। आप लोग का बहुत सारा कॉमेंट्स आ रहे थे उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, माइलेज क्या है, तो गाइज उसका बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाला है। एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो कोशिश करूंगा कल परसों तक एक वीडियो उसका बना लूं। तो आज के लिए इतने रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय।